जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से अगर मुख्तलिफ तरह के स्कीम जो है अमलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को साफ और फिल्टर वाटर जो है फराहम हो सके। वही आज हमने देखा कि वारीपोरा में जो है बाज़ाब्ते तौर आज DDC कुंजर नज़ीर अहमद शेख और AEE जो यहाँ पर PHE के, इन्होंने बाज़ाब्ते तौर एक नई स्कीम की यहाँ पर इनाग्रेशन की गई। वही यहाँ पर आम लोगों ने इस स्कीम की जो है सराहना की। अगर यहाँ पर आम लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि लगातार पिछले कई ज़माने से जो हम जो है रॉ वाटर पी रहे थे, लेकिन आज बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर नई स्कीम जो अमलाई गई तो कहीं ना कहीं इन्हें अब जो है फिल्टर वाटर मिल सकेगा। तो यहाँ पर आम लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इनका जो मसला था वो काफ़ी अर्से से पड़ा था, वो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो हल हुआ है। तो फिलहाल आपको सीधे वारीपोरा ले चलो, दिखाते हैं क्या कह रहे हैं आज के इस इनाग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। यस तो आज इस स्कीम अस लागू गई, ये गई गोडनिच लाइट आज स्कीम लागू। यस तो एम ब्रोट आब यवान उस मंज उस अस खलु आसा मंज उस की आसान, मगर यस तो स्कीम आज से लागू गई ये मे स्कीम लालपोरा मंगलोरा तो वारीपोरा यस आत मंज अस तुलना आव। अस शुक्र गुजार एम डिपार्टमेंट के AEE साबिन पन्ने DDC साबिन पन्ने ब्ला यम चेयरमैन साबिन, अस चमन पन्ने तरफ ये पंचायत हलका वारीपोर के तरफ पुरजोर ये शुक्रिया करान, क्याज ये मोन गांव उस आमुत वारिया उस ये जबरदस्त प्रॉब्लम उस यस प्रॉब्लम इंशाल्लाह रहमान आज हल गई। हमारी यहाँ वारीपोरा बांगिल की जो वाटर सप्लाई स्कीम, इसके आज हमने इनाग्रेशन की। ये इट इज़ ये पार्ट जो पिछली बार हमने लालपोरा स्कीम की 12 करोड़ की इब्तदा किया था, ये उसी का एक हिस्सा है पार्ट, ये गाँव इसी का हिस्सा है। अब गाँव वाले ने इंसिस्ट किया है नहीं, हमारी गाँव लेवल पर भी इसकी इनाग्रेशन होनी चाहिए। आज तक इन लोगों को रॉ वाटर मिल रहा था, आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 2 लाख गैलन का एक फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है, और हम चाहते हैं कि इनको पोर्टेबल वाटर मिले, उनको साफ शफाफ पानी मिले, ताकि लोगों को बीमारियों वगैरह से और वारीपोरे के लिए हमने जो अभी पाइप डाल दिए हैं उसका इनाग्रेशन आज हमारे DDC साहब ने किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये स्कीम है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी है कि आप बाय नवंबर इसको कंप्लीट करना है। वी एक्सपेक्ट कि हमारा काम भी बहुत सुरत से चल रहा है, और मैं सुख से कह सकता हूँ कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम सबसे ज़्यादा चल रहा है, हम इस डिवीज़न में इस एरिया में। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस स्कीम को विद इन फिक्स्ड टारगेट टाइम कंप्लीट कर लेंगे, अगर मौसमी हालात ठीक रहे। बस बाकी हमारा यही उम्मीद रहेगी, हमें कोशिश रहेगी कि हम उसको उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करने की। तो PHE